हे गाइस, वेलकम बैक टू डेज वीडियो। सो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि किस पर्टिकुलर वैक्सीन में किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस के स्ट्रेन को यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर वैक्सीन को डराइव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले अपन देखते हैं कि बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज़ किया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन के लिए अपन यूज़ करते हैं Dnech 131 स्ट्रेन। नेक्स्ट है अपना मीजल्स। मीजल्स के लिए अपन यूज़ करते हैं एडमॉन्स्टोन, जगरीब स्ट्रेन, या फिर शॉर्ट स्ट्रेन, या फिर मॉल्टेन स्ट्रेन। तो ये तीन स्ट्रेन यूज़ होती है मीजल्स की वैक्सीन को बनाने के लिए। एडमॉन्स्टोन, जगरीब स्ट्रेन, या फिर शॉर्ट स्ट्रेन, या फिर मॉल्टेन स्ट्रेन। नेक्स्ट है अपना मम्स। मम्स से अपन यूज़ करते हैं जेराइल लीन स्ट्रेन, या फिर RIT 4385, जो कि कम इम्पॉर्टेंट है। आपको सिर्फ जेराइल लीन स्ट्रेन ही याद रखना है सिर्फ मम्स में। नेक्स्ट है अपना येलो फीवर। इसमें 17D स्ट्रेन यूज़ होती है। नेक्स्ट है SCBN स्ट्रेन, और नेक्स्ट है डायरेक्ट स्ट्रेन। तो आपको इसमें सिर्फ 17D स्ट्रेन याद रखना है येलो फीवर के लिए। नेक्स्ट है अपना रुबेला। रुबेला में यूज होती है RA 27/3 स्टेन, या फिर HPV 77 स्टेन। तो इसको मैं आपको इसलिए याद रखना है RA 27/3 स्टेन, यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन है रुबेला के लिए। नेक्स्ट है वरीसेला। वरीसेला में यूज होता है ओका स्टेन। सो ओका स्टेन इज यूज इन वरीसेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना जापानीज एंसेफेलाइटिस। उसमें यूज़ होता है नाकायामा स्ट्रेन, जो कि मोस्ट कॉमन स्ट्रेन है, जो कि यूज़ होता है नाकायामा स्ट्रेन। जो इंडिया में यूज़ होता है उसको बोलते हैं SA-14-14-2। सो ये स्ट्रेन यूज़ होता है इंडिया में, SA-14-14-2 स्ट्रेन यूज़ होता है इंडिया में। वो बाहर यूज़ होता है नाकायामा स्ट्रेन, तो वो और मोस्ट कॉमन यूज स्ट्रेन जो यूज़ होती है वो है नाकायामा स्ट्रेन ही। नेक्स्ट है अपना ब्रुसेला। ब्रुसेला के अपन यूज़ करते हैं ब्रुसेला अबॉर्टिस 19BA स्ट्रेन। मलेरिया के लिए अपन यूज़ करते हैं SPF 66 स्ट्रेन। सो SPF 66 स्ट्रेन यूज़ होता है मलेरिया के लिए, जिसको अपन बोल लाइटिक कॉकटेल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और एक क्वेश्चन यूज होती है उसको बोलते हैं PF 25 स्टेन। तो दो स्टेन हो गए अपनी मलेरिया के लिए, टाइफी ओरल, जो कि टाइफाइड की वैक्सीन है, उसमें अपन यूज़ करते हैं TY-21A। टाइफी ओरल में अपन ये स्टेन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है HIV के लिए। तो HIV के लिए है मॉडिफाइड वैसीना अंकारा स्टेन। सो अंकारा स्ट्रेन इज़ यूज इन HIV। नेक्स्ट है अपनी RAAV, रिकॉम्बिनेंट एडिनो एसोसिएटेड वायरल स्ट्रेन। नेक्स्ट है अपनी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट स्ट्रेन। तो ये कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि यूज़ होती हैं HIV में। आपको सिर्फ MVA ही याद रखना है, इसको आपको याद रखना है MVA स्ट्रेन याद रखना है सिर्फ इसमें। नेक्स्ट है अपनी निमोकोकल स्ट्रेन। निमोकोकल अपनी यूज होता है निमोकोकल वैक्सीनेशन में यूज होता है PPV स्ट्रेन, PPV 23। 23 मतलब यहाँ पे स्टैंड कर रहा है 23 स्ट्रेन्स के लिए ये वैक्सीन है। और नेक्स्ट है PCV 7। तो दोनों यूज़ होती हैं PPV 23 और PCV 7। ये दो वैक्सीन यूज़ होती हैं नीमोकोकल के लिए। नेक्स्ट है अपनी प्लेग। प्लेग में अपन यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यूजिंग F1 and V antigen, ये होती है प्लेग में यूज़। नेक्स्ट है अपनी जापानीज एंसेफेलाइटिस।
प्लेग की जो के जो वैक्सीन है वो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यूजिंग F1 एंड V एंटीजन। नेक्स्ट अपन ने जो जापानीज एंसेफेलाइटिस अपन ने ऊपर देख लिया, रूसेला भी अपन ने ऊपर देख लिया, मलेरिया भी हो गया है, टिम्फ्योरियल भी हो गया, HIV भी हो गया, निमोकोकल भी हो गया। एंथ्रेक्स के अपन यूज़ करते हैं स्टर्नी वैक्सीन, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। रिकेट्सिया के लिए अपन यूज़ करते हैं ब्रिगल वैक्सीन, जो कि रिकेट्सिया प्रोजेक्टी के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है कास्टराडा फॉर्मुलाइज्ड माउस लंग वैक्सीन, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। आपको HPV याद रखना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए यूज़ होता है HPV VLT वैक्सीन। एक होता है गार्डासिल, जो कि यूज़ करते हैं अपन लोग HPV 6, 11, 18 और 16 के लिए। एक होता है सर्वारिक्स, जो कि अपन यूज़ करते हैं सिर्फ दो स्ट्रेन के लिए, 16 और 18 के लिए। तो गार्डासिल अपन गार्डासिल वो चार चार स्ट्रेन के लिए यूज़ होता है, और सर्वारिक्स होता है वो दो स्ट्रेन के लिए यूज़ होता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट है अपना कोलेरा के लिए वैक्सीन, तो कोलेरा के अपन यूज़ करते हैं होल सेल किल्ड विद और विदाउट नॉन टॉक्सिक बीटा सब यूनिट और लाइव एटेन्यूटेड स्ट्रेन ऑफ CVD CVD 103 HGR यूज़ करते हैं अपन लोग कोलेरा के लिए, और लेस इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ स्ट्रेन्स थे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेन जो कि आपको याद रखना है। इसमें से हर साल इतना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल थी। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी तरीके से आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट टेबल्स आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू।